है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न की रेसिपी बहुत ही नए तरीके से, और डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैंने बहुत ही नए तरीके से बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से इस तरीके से छील कर दो टुकड़ों में तोड़ लिया है, और अब हम इनको बॉयल करेंगे। आप चाहे तो इसके दाने निकालने के बाद इनको बॉयल करें। तो बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बड़े से बर्तन में, हम एक ग्लास के करीब में पानी डालेंगे और इनको हम बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा नमक भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको 5 मिनट तक उबाल के लेंगे। तो इनको हम उबाल लेते हैं। 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर मैंने इनको उबाल लिया है और ये अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, और अब हम इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इनके जो दाने हैं वो निकालेंगे। आप चाहे तो पहले दाने निकालें उसके बाद उनको स्टीम या बॉयल कर लें। तो हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इनके दाने निकाल लेंगे। तो ये देखिए, चाकू की मदद से मैंने यहाँ पर कॉर्न की एक लाइन निकाल ली है, और उसके बाद हम हाथों की मदद से इनको ईजिली निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ये देखिए। या फिर आप चाहे तो कॉर्न निकालने वाली मशीन भी मिलती है मार्केट में, आप उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, सारे दाने हमने निकाल कर रेडी कर लिए हैं एक प्लेट में, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और उसमें हमें डालना है कॉर्न को, लेकिन सारे दाने नहीं डालने हैं, आधे डालेंगे और हम थोड़ा सा दाना हम बचा लेंगे। तो हम इसमें जार में डाल देते हैं, और ये देखिए इतना सा हमने बचा लेना है, बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमने इनको मिक्सर जार में डाल दिया है, और अब हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे। और अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं, बिना पानी ही हमें इसको ग्राइंड करना है। रुक रुक के मिक्सर ग्राइंडर को चलाया है और इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। एक साथ में ही हमको नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलाना है। और ये देखिए, बिल्कुल महीन प्यूरी मैंने बना ली है बिना पानी का। तो इनको बाउल में निकाल लेते हैं, और अब हमने जो बचा के कॉर्न रखा था ना, वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक काट के लिया है। 1/2 इंच अदरक को भी बारीक बारीक काट के डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब में हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून के करीब में ही डालेंगे हम सौंफ का पाउडर। सौंफ के पाउडर की जगह पे आप साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच। अब मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब में। अब मैंने यहाँ पर उबला हुआ आलू लिया है, एक मीडियम साइज का आलू को मैंने उबाल कर इस तरीके से तोड़ के डालेंगे, यानी कि अच्छे से मैश कर ले, या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो इनको हम डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें 3 चम्मच के करीब में डाल रही हूँ। अगर जो मिक्सचर है वो गीला हो रहा है तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और इनको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं चम्मच की मदद से। अच्छे से मिला लें। मिलाते समय आप इसमें चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर मिक्सचर ज़्यादा गीला होता है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया है, और इतना टाइट है ये, आप देख सकते हैं। अगर आपका जो मिक्सचर है वो गीला होता है तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स और मिक्स कर सकते हैं। गीला नहीं होना चाहिए मिक्सचर, आप इसका ध्यान रखें। चाहे तो इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें अपने हाथों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है, और इनके छोटी छोटी बना लेना है बॉल्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे हाथों पे ऑयल लगा लिया है, और आप चाहे तो टिक्की का सेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, और तवे पर भी सेक के बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीका बताऊंगी, तवे पर सेक कर भी और तल के भी। तो तवे पर सेकने के लिए आपको इसमें बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इनको तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर ली है, और उसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद इस तरीके से छोटी छोटी हाथों में, जिससे हमने पकौड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने इस तरीके से इसमें डाल देना है। एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, तेल अच्छे से गर्म हो इसका ध्यान रखें। तो सारे इसी तरीके से तल लेंगे, और थोड़ा सा क्रिस्पी होने के बाद हम इनको इस तरीके से टर्न करेंगे, और लगभग गोल्डन होने तक इनको तलेंगे हम। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं बाहर से, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हम इनको अब निकाल लेते हैं, प्लेट में अलग कर लेते हैं।
सारे इसी तरीके से, बाकी के भी हम इसी तरीके से तल के तैयार कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको हमें सेक के कैसे बनाना है। इस तरीके से तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लें और उसके बाद हमें यहाँ पे टिक्की का शेप देकर इनको डाल देना है। तलने के टाइम में जो बड़े हैं वो फट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सेक के बनाएंगे तो आपके लिए आसानी ज़्यादा होगी। तो आपको जो आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, जो आसान लगे। तो ये देखिए, एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद ही इनको टर्न करें, नहीं तो ये टूटने के चांसेस इनके रहते हैं। तो ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएं एक साइड से, तभी हम इनको टर्न करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। दोनों तरीका अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं, टेस्ट में बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। तो तैयार है बिल्कुल। अब हम इनको सर्व करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। एक ट्रे में इस तरीके से निकालेंगे, 5-6 बड़ियों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और अब हम इन पे थोड़े से दही को मैंने फेंट के लिया है तो उनको भी हम इसमें डाल देते हैं। दही को अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे तरीके से फेंट के मैंने इसमें डालना है। ऊपर डाल दें 5-6 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, ये ऑप्शनल है। उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद नमक हम इसमें डाल देंगे, आप चाहे तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। जो कॉर्न के वड़े हैं वो थोड़े से स्वीट रहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालना है ताकि इसमें जो तीखापन भी रहे हल्का सा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े से डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा चाट मसाला, 2-3 पिंच के करीब में। मैं यहाँ पे हाथों से ही डाल रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए, चम्मच से अच्छे से नहीं होता है। थोड़ा सा मैं इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर भी डाल दूंगी, 3-4 पिंच के करीब में। और अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, धनिया और पुदीने में मैंने अदरक और हरी मिर्च और लहसुन डाल के बनाया है, इनको भी उसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मीठी चटनी भी ऊपर से हम डाल देंगे, खजूर और इमली की चटनी। जितनी आपको अगर मीठापन पसंद है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कॉर्न डाल देंगे, आप चाहे तो अनार के दाने या फिर पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार है कॉर्न के दही बड़े। कैसे लगे मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है। ये जो टिक्की है उसके साथ भी आप इसी तरीके से उनको डेकोरेट करके आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको ये रेसिपी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी हिट करिएगा। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको बनाने में बहुत झंझट भी नहीं है, बस मुंह में डालते ही ना घुल जाने वाला है, चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको कॉर्न की और भी रेसिपीज चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। कि आपको ये रेसिपी ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलती हूँ अगले एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।